आप सभी का स्वागत है प्लांट्स एंड फ्लावर्स में। मेरे पास कई कमेंट आए हैं कि जब हम प्रूनिंग करते हैं तब कटे हुए पार्ट पर जो फंगीसाइड पाउडर का हम यूज करते हैं वो उनके पास अवेलेबल ना हो तो क्या करें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से वो पांच चीजें बताऊंगी जिनको हम फंगीसाइड की जगह पर यूज कर सकते हैं और वो चीज़ें हमें घर में आसानी से मिल जाएंगी और प्लांट की ब्रांच भी सेफ रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इस प्लांट में ग्रोथ होना शुरू हो चुकी है। इसको रिपोर्ट किए हुए करीबन 12 दिन हो चुके हैं। अब हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। मैं प्रूनिंग करने के लिए नया ब्लेड यूज कर रही हूँ। आप अगर पुराना ब्लेड यूज करें तो पहले उसको डिसइंफेक्ट जरूर कर लें। इस तरह प्लांट को प्रून कर देंगे। आप चाहे तिरछा कट लगाएं या सीधा कट लगाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्लांट ज्यादा छोटा हो तो उसकी प्रूनिंग सिर्फ ऊपर की टिप काट कर ही करनी चाहिए, ज्यादा नीचे से नहीं करनी चाहिए। कटे हुए पार्ट पर फंगीसाइड पाउडर लगा देंगे। अगर फंगीसाइड पाउडर ना हो तो आप इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये दालचीनी पाउडर है, फंगीसाइड की जगह पर आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये हल्दी पाउडर है, कटे हुए पार्ट पर इसको भी लगा सकते हैं। नेल पेंट को भी कटे हुए पार्ट पर लगाया जा सकता है। इसे लगाने से ब्रांच सेफ रहती है। फेविकॉल को भी कटे हुए पार्ट पर लगा सकते हैं। इसे लगाने से ब्रांच सेफ रहती है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी ना हो तो पॉलोथिन तो आसानी से घर में मिल ही जाएगी। पॉलोथिन स्ट्रेचेबल होनी चाहिए। इस तरह आप पॉलोथिन को प्लांट पर लगा सकते हैं और ऊपर से रबर बैंड लगाना जरूरी है जिससे पॉलोथिन उड़ेगी नहीं। इनमें से जो आपके पास अवेलेबल हो वो चीज आप प्लांट की कटे हुए पार्ट पर लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको लगाने से प्लांट ऊपर से सूखता नहीं है और जल्दी ग्रोथ करता है। देखिए मैंने अपने सभी प्लांट्स प्रून कर दिए हैं। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ हो रही हो और उनकी प्रूनिंग आपने अभी तक ना की हो तो उनकी प्रूनिंग अभी की जा सकती है। प्रूनिंग के बाद प्लांट को मैं फुल सनलाइट में रख दूंगी। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो आप प्लांट को एक दो दिन शेड में रखकर फुल सनलाइट में रख सकते हैं। प्लांट में 6-7 दिन तक वाटरिंग नहीं करनी है। जब नई ग्रोथ होने लगे तब वाटरिंग करनी है और फर्टिलाइजर भी तभी देना है। फर्टिलाइजर कौन सा देना है, कैसे देना है, ग्रोथ शुरू होने पर इसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। प्रूनिंग से कटी हुई ब्रांच को हम 3-4 दिन शेड में रखकर ग्रो करेंगे। उसकी भी वीडियो मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।